छतरपुर एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं छतरपुर एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और छतरपुर एक्सप्रेस से जुड़े रहें। डॉक्टर निरंजन राजपूत के इस्तीफे के विरोध में एक दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने SDM कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन, डॉक्टर के समर्थन में नारेबाजी की। एक दर्जन गांव के लोगों ने जताया विरोध, बतलाया कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे उग्र प्रदर्शन। कुछ दिनों पूर्व एक एक्सीडेंट के मामले में डॉक्टर से मारपीट कर दी गई थी। इसके बाद गौरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर ने CMHO को इस्तीफा सौंप दिए, जिसके चलते 3 दिनों से OPD बंद है। आज एक दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने SDM कार्यालय पहुंचकर डॉक्टर के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। मामला गौरिया समुदाय स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट कैसे हुआ था उसमें डॉक्टर ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए अपना उपचार किया था। ऐसे में कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की थी, उसी के विरोध में आज गौरिया अनुभागीय विभाग कार्यालय पहुंचकर एक दर्जन गांव के लोगों ने सौंपा ज्ञापन। क्या कारण है और किन कारणों के चलते आपको लगता है कि FIR नहीं दर्ज हो पा रही, कुछ मामला बताएं पूरा। अब मामला तो यह है, उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था सचहरी रोड में, तो दोनों ही पक्ष के लोग घायल हुए थे। मैं भी वहीं पर उपस्थित था, जो कि जैसे मुझे सूचना लगी अपन मरीजों के को लेकर के वहीं पहुंचे उपस्थित थे। डॉक्टर साहब बिल्कुल अपने निष्ठा से ही उनका उपचार कर रहे थे। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौरिहार में जो सुविधा है, उनने उस सुविधा को देखते हुए उतना इलाज किया। और जब डॉक्टर साहब अपने चैम्बर में उनका रिफर पर्चा बनाने गए थे, क्योंकि जो इलाज यहाँ हो सकता था उनने किया। इसके बाद सीरियस, इतना मरीज सीरियस था कि वहाँ पर्चा बनाने के लिए अपने चैम्बर में गए थे, तो कुछ अनावेदक गणों द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई, जिसकी FIR थाना प्रभारी को उनने लिखवाई, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा उनकी FIR नहीं लिखी गई। अब इसका कोई कारण नहीं बताया जा सकता कि उनने FIR क्यों नहीं लिखी, लेकिन जब उनकी FIR नहीं लिखी गई तो वो अपना इस्तीफा उन्होंने दे दिया, जिसके कारण 3 दिन से OPD बंद है। और इस OPD बंद होने से हमारे पूरे क्षेत्र को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। गरीब जनता है जो कि पर डे अस्पताल आती और उनको बिना इलाज के वापस होना। किस ग्राम से है? घाबरा। किन समस्याओं को लेकर आज आप सबने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे? डॉक्टर साहब के उसमें दिया है, हमें पता चला कि हमारे डॉक्टर निरंजन राजपूत साहब जी इस्तीफा दे रहे हैं, और वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं जी। यहाँ हम 1 बजे रात के, अगर किसी मरीज को दिक्कत होती है तो वो 1 बजे रात के अपने मकान से आते हैं, कमरा से, और इलाज करते हैं। प्रशासन से क्या मांगे आपकी? इसलिए कि हमें यही डॉक्टर चाहिए, निरंजन राजपूत चाहिए। कि आपने बताया कि लगभग 1 दर्जन जो ग्रामवासी हैं जी, उनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है SDM साहब के लिए जी। तो उसमें मेन जो यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर निरंजन राजपूत जी हैं, जो उनके द्वारा जो सभी से विनम्रतापूर्वक जो इलाज वगैरह किया जाता है, उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है कि उन्हें यही यथावत रहना चाहिए। सर, इतनी बड़ी घटनाक्रम के बाद प्रशासन की क्या मजबूरी है कि एक सप्ताह बीतने के बाद भी अभी तक थाने प्रभारी द्वारा FIR नहीं दर्ज की गई है? नहीं, इसके संबंध में तो थाना प्रभारी जी स्वयं भी डॉक्टर के पक्ष में ज्ञापन भी सौंपा है, क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ मेरे संज्ञान में बात आई है, अभी यहाँ सैकड़ों लोग आए थे जिन्होंने SDM महोदय से शिकायत भी की है जी। उन्हें बताया कि करीब 5-6 दिन से OPD खुली नहीं रही जी, और यहाँ सभी जो भी मरीज हैं बहुत परेशान हैं। उस संबंध में यही है कि जैसे कभी अगर कोई ऐसा घिनौना कृत्य होता है या फिर डॉक्टरों के साथ बदसलूकी होती है तो उनको निंदनीय है, और उसमें वरिष्ठ अधिकारियों को ध्यान देना। सर, क्या कारण है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे पाए? 1 हफ्ते से अधिक समय बीतने के बाद भी अभी तक FIR जैसी प्राथमिक रिपोर्ट भी नहीं दर्ज की गई, उसमें वरिष्ठ अधिकारियों से बात हो रही है जी। और पार्टी की तरफ से आप क्या रुख रख रहे हैं? हम लोग पार्टी की तरफ से भी बात कर रहे हैं।